हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज के वीडियो में आपको ब्लाउज स्लीव डिज़ाइंस की बहुत ही न्यू एंड ट्रेंडी आइडियाज़ देखने को मिल जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वरना ऐसे ना इनमें से एक भी डिज़ाइंस आप मिस कर दो। सो गाइस, आज के वीडियो से आइडिया लेकर आप भी अपने ब्लाउज में इस तरह के स्लीव डिज़ाइंस को ऐड करवा सकती हो। आप इस तरह से डिफरेंट कटआउट वाला डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर आप बो वाला डिज़ाइन को बनवा सकते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। आप आई कटआउट के साथ डोरी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पफ स्लीव डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। आप डिफरेंट कटआउट वाला डिज़ाइन को बनवा सकते हैं, आप नेट का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से डायमंड कटआउट के साथ डोरी का एंड फ्लोवर का ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप इस तरह से डोरी वाला डिज़ाइन को भी ट्राई कर सकती हूँ। आप आई कटआउट वाला डिज़ाइन को बनवा सकते हैं फ्रेंड्स, एंड आप डिफरेंट स्टाइल में पफ स्लीव डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हो। आप इस तरह से पाइप लेस का यूज़ कर सकते हैं अपने स्लीव पार्ट पे। सो आपको हर तरह के पैटर्न्स इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा न्यू एंड ट्रेंडी आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं फ्रेंड्स। सो आप भी अपने ब्लाउज में इस तरह की खूबसूरत स्लीव डिज़ाइंस को ऐड करवा सकते हैं, एंड अपनी साड़ी लुक को और भी ज़्यादा स्मार्ट एंड गॉर्जियस लुक दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको इनमें से जो भी डिज़ाइंस अच्छी लगी ना, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जब भी आपको बनवाना हो तो अपने टेलर को दिखाकर आप स्टिच करवा सकते हैं। सो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लाउज डिज़ाइन से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी हो ना, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे ब्लाउज से रिलेटेड हर तरह के डिज़ाइन एंड आइडियाज़ देखने को मिल जाएंगे, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।